बंद दरवाजे में क्या बात हुई? रूस यूक्रेन जंग के बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है। कीव दौरे पर अमेरिका के दो बड़े मंत्री, यूएस विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री का दौरा, जेलेंस्की से की दोनों ने मुलाकात। क्या बात हुई है? क्या इस युद्ध को अब लगातार खींचा जा सकता है यूक्रेन के साथ साथ? क्या यह युद्ध अब अमेरिका को भी बहुत महंगा पड़ रहा है? क्या शांति की बात होगी? क्या मई से पहले क्या ये रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त होगा? रूस की बात मानेंगे जेलेंस्की? रूस की बात मानेगा अमेरिका? नेटो ताकतें जो जेलेंस्की को अब तक हौसला दे रही हैं, असला दे रही हैं, बारूद दे रही हैं, सैन्य मदद के साथ साथ आर्थिक मदद भी दे रही हैं, क्या अब कह रहे हैं जेलेंस्की से कि इससे ज्यादा हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारी भी जेबें खाली हो रही हैं? मारियुपोल में फिर से न्योता दिया है कि मारियुपोल से लगकर फिर से यूक्रेन ने न्योता दिया है रूस को कि आइए बात करते हैं। और इसी वार्ता के दौरान जंग के बीच यूएस विदेश मंत्री का बयान, कीव में यूएस दूतावास खुलने की बात कही। कीव के दौरे पर हैं यूएस के विदेश मंत्री, जल्द दूतावास खुलने की भी बात कही है उन्होंने। तो सामान्य तौर पर सामान्य स्थिति सामान्य वापस हो सकती है जल्दी, इसका इशारा कि यूएस कह रहा है कि कीव में फिर से अपने दूतावास को खोलेगा। लेकिन क्या अगले कुछ दिनों में बहुत बड़ा फैसला हो सकता है? क्या रूस की बात मानेंगे जेलेंस्की? नेटो से नहीं जुड़ने की बात करेंगे जेलेंस्की? या फिर जो जगह जो जहां है वो वहीं रहेगा, इस बात पर बातें तय होंगी और रूस दक्षिण पूर्वी यूक्रेन को अपने अधीन कर लेगा? बहुत सारे सवाल हैं। यूक्रेन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, आम यूक्रेनी नागरिकों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जितना कर्जा जेलेंस्की ले चुके हैं कम से कम 3 दशक तक अब नहीं चुका सकते, ये अनुमान लगा रहे हैं। जितनी बर्बादी हुई है उसको बनाने में, यूक्रेन को फिर से बनाने में कम से कम 1 दशक लगेगा कह रहे हैं। अब महायुद्ध के बीच पहली बार हुआ है जब अमेरिका के दो बड़े मंत्री एक साथ यूक्रेन पहुंचे हैं। राजधानी कीव में अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री का दौरा बड़े गुप्त तरीके से हुआ। रविवार देर रात अमेरिकी मंत्री कीव पहुंचे और जेलेंस्की से सीक्रेट मुलाकात की। इस सीक्रेट मुलाकात के बाद अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों की नई खेप देने का ऐलान भी किया है। जिस वक्त रूस यूक्रेन पर दनादन गोले बरसा रहा था, उस वक्त सीक्रेट मीटिंग कर रहे थे राष्ट्रपति जेलेंस्की। जिस वक्त मारियुपोल पर रूसी सैनिक अपना झंडा गाड़ रहे थे, उस वक्त जेलेंस्की अमेरिका से खतरनाक हथियारों की डिमांड कर रहे थे। पूरे 60 दिनों के युद्ध में करीब करीब पूरा यूक्रेन खंडर में तब्दील हो चुका है, लेकिन ना तो यूक्रेन के हौसले पस्त हुए और ना ही जेलेंस्की फिलहाल युद्ध से पीछे हटने के मूड में नजर आ रहे हैं। इस बात की तस्दीक करता है राष्ट्रपति जेलेंस्की का वो बयान जिसमें वो अमेरिका से और घातक हथियारों की डिमांड कर रहे हैं। Тож будь-яка здорова людина завжди обирає дипломатичний шлях, тому що знає, навіть якщо це складно, це може зупинити, втратити тисячі, десятки тисяч, а з такими сусідами сотні тисяч, а може навіть мільйони. Зеленський का ये बयान अमेरिकी विदेश मंत्री के कीव दौरे से ठीक चंद घंटों पहले सामने आया। महायुद्ध के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री का ये पहला कीव दौरा था और उससे पहले जेलेंस्की ने अपने बयान के जरिए जाहिर कर दिया कि उन्हें दिलासा नहीं बल्कि युद्ध लड़ने के लिए हथियारों की दरकार है। Я вважаю, останній тиждень сигнали, меседжі, кроки, терміни, кількість, все це я говорю про зброю від Сполучених Штатів, все покращилось. І я за це вдячний. І ми цього дуже сильно очікуємо. Ревівар дір рад, Америка, кивідеш мантрі Тоні Блінкен, рак ша мантрі
लॉयड ऑस्टिन बेहद गुपचुप तरीके से युद्धग्रस्त यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि अमेरिकी विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन के साथ राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की सीक्रेट मीटिंग हुई, जिसमें युद्ध की रणनीति और हथियारों की मदद देने को लेकर लंबी बातचीत हुई। अमेरिकी न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस मीटिंग के बाद अमेरिका ने यूक्रेन समेत 15 देशों को $713 मिलियन यानी करीब 5,347 करोड़ रुपए की सैन्य सहायता देने का ऐलान किया। इसमें से करीब आधा यानी 2,415 करोड़ रुपए के हथियार सिर्फ यूक्रेन को दिए जाएंगे। इसके अलावा अमेरिका ने दावा किया कि अगले हफ्ते से कीव में उसका अमेरिकी दूतावास फिर से शुरू हो जाएगा। जाहिर है एक के बाद एक अमेरिकी हथियारों की ये मदद यूक्रेन को हर दिन युद्ध में मजबूत बना रहे हैं और यही मजबूती ज़ेलेंस्की को युद्ध लड़ने का हौसला दे रही है, जबकि यूक्रेन को मिल रही अमेरिकी मदद को लेकर अब पुतिन की नजरें टेढ़ी हो चुकी है। रूस ने एक नोट जारी करके अमेरिका से मांग की कि वो यूक्रेन को हथियारों की मदद देना फौरन बंद करे। यूक्रेन पर रूस के हमले के 2 महीने के साथ से ज्यादा वक्त हो चुका है। इस दौरान रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जे का दावा किया है। यूक्रेन के कई शहरों पर रूस पूरी तरह से अपने कब्जे में बता रहा है। आइए आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि यूक्रेन के कौन कौन से शहरों पर रूस ने फिलहाल कब्जा किया हुआ है। मैं शुरू से आपसे कहता आ रहा हूँ कि व्लादिमीर पुतिन की नज़र रूस को गर्म पानी के सागरों से जोड़ने की है, इसीलिए दक्षिण पूर्वी यूक्रेन पर ही इनका फोकस है। ये उन्होंने 2014 में क्रीमिया को अपने अधीन इसीलिए किया था, जो पहले यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था, ताकि नेटो की ताकतें अपने जंगी जहाज यहाँ न लेकर आएं और फिर उसके साथ साथ सी ऑफ अजोव पर यहाँ से एक कनाल बनाकर इस समंदर को भी आपस में ना जोड़ लें। अब रूस ने जहाँ जहाँ कब्जा किया हुआ है, खरसान, मारियोपोल, डोनेट्स्क, लुहांस्क, खार्किव, अगर आप देखें तो रूस और मॉस्को यहाँ कहीं आता है, तो मॉस्को और उरल पहाड़ियों के बाद सीधा समुद्री रास्ते से ही नहीं, सड़क के मार्ग से, जमीनी रास्ते से गर्म समंदर तक का रास्ता और फिर रूस से सटकर एक सी ऑफ अजोव का समुंदर और उसके साथ साथ काला सागर। ये एक साथ जब तक रूस के साथ नहीं जुड़ेगा तब तक रूस अपने आप को सामरिक तौर से और व्यापारिक तौर से दुनिया के साथ व्यापार करने के लिए पश्चिमी ताकतों पर निर्भर रहेगा, क्योंकि इसके उत्तर की तरफ जितने सागर हैं वो ठंडे फ्रोजन सागर हैं, बर्फ से पूरी तरह पूरे साल बने रहते हैं, वहाँ पानी नहीं होता, बर्फ होती है, बर्फ पर आप कैसे अपने जहाज को दौड़ाइएगा, चलाइएगा। तो इसीलिए इन सागरों पर एक्सेस और कंट्रोल बनाए रखने के लिए, और इसके इस सागर ब्लैक सी के उस तरफ, काले सागर के उस तरफ तुर्की है, और फिर उसके साथ साथ नेटो की ताकतें जो धीरे धीरे पूर्व की ओर बढ़ती आ रही हैं, पश्चिमी ताकतें जो पूर्व की तरफ आकर सीधा यूक्रेन पर यानी रूस के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई, उनको पीछे करने का और अपने आप को सामरिक तौर से बचाने की नीति व्लादिमीर पुतिन की है। व्लादिमीर पुतिन 2 महीने से चल रही ये जंग नहीं चाहते थे, 15 दिन में इस युद्ध को समाप्त करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें सिर्फ इसे सिक्योर करना था और यूक्रेन को कहना था कि हम नेटो से नहीं जुड़ेंगे। लेकिन ना ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं और पुतिन भी अब अड़ गए हैं, अब दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं है और भुगतना किसको पड़ रहा है, यूक्रेन और यू